हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल फ्रेंड्स। इकोलॉजी ये 10th यूनिट है और 12th साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी का। इस 10th यूनिट में इकोसिस्टम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इस इकोसिस्टम में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, ये एनसीईआरटी का 14 टॉपिक है और इस 14 टॉपिक से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन नीट में पूछते हैं 16 मार्क्स के लिए। और ये वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, नीट के लिए। और माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल आपका स्वागत करता है। साथियों, देखेंगे यहाँ पर कंटेंट एट ए ग्लांस में कि इस टॉपिक में 14 टॉपिक में इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये पहला है, लेकिन इसके पहले आप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और दूसरा कंटेंट है प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी इससे क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। थर्ड है डिकम्पोजिशन, फोर्थ है एनर्जी फ्लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। और फिफ्थ है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, सिक्स्थ है इकोलॉजिकल सक्सेशन, और सेवन्थ है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एंड लास्ट है 8th इकोसिस्टम सर्विसेज। साथियों, इकोसिस्टम के बारे में जब बात करते हैं, ये फोटोग्राफ की तरफ देखिए, ये फोटोग्राफ एजी स्टैंसले का है। और इकोसिस्टम ये टर्म गिवन बाय सर एजी स्टैंसले इन 1935 में इकोसिस्टम ये टर्म दिए। तो यहाँ पर पहले जानेंगे कि इकोलॉजी का ये टॉपिक है इकोसिस्टम। देखिए कि इकोलॉजी में, इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोलॉजी ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है और डील्स करती है इंट्रैक्शंस, यानी कि अंतरक्रिया, इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स आप जानते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनका इंट्रैक्शन वन अनदर एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स, जैसे सनलाइट हो या टेम्परेचर हो या हीट हो या अर्थ हो, तो ये फिजिकल एनवायरमेंट होता है। और इकोलॉजी ये ब्रांच बायोलॉजी की होते हुए भी ये इकोलॉजी की टर्म अर्नस्ट हैकेल ने दिए है और इन्होंने इंट्रोड्यूस किए है इकोलॉजी, ये टर्म अर्नस्ट हैकेल, याद रखना। साथियों, इकोलॉजी की अब ये इकोलॉजी की आपने टर्म देखी है, ये अर्नस्ट हैकेल ने दिए है, इंट्रोड्यूस किए है। और इकोसिस्टम किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन जानेंगे। इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम ये इकोलॉजी का एक पार्ट है और इकोसिस्टम में कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और वो ऑर्गेनिज्म उनके फिजिकल एनवायरमेंट में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। एंड इकोसिस्टम दैट इज द सब पार्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी ये ब्रॉड सेंस बायोलॉजी की ब्रांच है और दैट इकोसिस्टम ये सब पार्ट है इकोलॉजी का, याद रखना। और यही इकोसिस्टम की टर्म सर एजी स्टैंसले ने दी है 1935। इनका रिलेशनशिप देखेंगे भाइयों, यहाँ पर इनका इकोलॉजी का और इकोसिस्टम का रिलेशन क्या है। साथियों, प्यारे दोस्तों, इकोलॉजी क्या इंक्लूड होती है, इकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिलेशनशिप और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी एनवायरमेंट होता है उसका रिलेशनशिप इकोलॉजी में ये होता है। और इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो इकोसिस्टम ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है, लाइक कौन सा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तैगा इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, स्टिल वाटर रिवर कहे या स्ट्रीम कहे या कोरल रीफ। तो इकोसिस्टम एक प्लेस है जहां पर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं उनके फिजिकल एनवायरमेंट में। तो ये इकोसिस्टम ये टर्म दी है एजी स्टैंसले, याद रखना प्यारे दोस्तों, ये नीट में कई बार पूछे। और इकोलॉजी ये बायोलॉजी की ब्रांच है और इनमें इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का, कैसे, वन अनदर, हर एक ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन करता है उनमें और देयर फिजिकल एनवायरमेंट में। और अर्नस्ट हैकेल ने ये टर्म दी है, इकोलॉजी में इंक्लूड होता है रिलेशनशिप की स्टडी, इनके रिलेशनशिप की, लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर एनवायरमेंट की। तो ये आप याद, इकोसिस्टम ये यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है कि इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज। इकोसिस्टम कैसे देख सकते हैं, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ये नेचर का, प्रकृति का, निसर्ग का एक कार्यात्मक यूनिट, यानी कि एक होता है, क्या होता है वहां पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, परस्पर संवाद करते हैं अमंग देम सेल्स उनमें एंड आल्सो विद देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, फिजिकल एनवायरमेंट यानी कि अबायोटिक, नॉन लिविंग एनवायरमेंट यानी कि टेम्परेचर, सनलाइट, एयर, वाटर, ये अबायोटिक थिंग्स है, फिजिकल फैक्टर्स है। यहाँ पर देखिए कि इकोसिस्टम कैसे वेरीज होती है, इकोसिस्टम ये देखिए, ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज उसे पॉपुलेशन कहते हैं, और डिफरेंट स्पीसीज
जो भी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में होती है उसे कम्युनिटी कहते हैं। और इकोसिस्टम में फिजिकल, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज होती है, आपने जान लिया। इकोसिस्टम देखिए, यहाँ पर ये बात कर रही है इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम कैसी होती है, ग्रेटली वेरीज होती है, यानी कि चेंज होती है किसमें, साइज में, फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट हो या ओशन, उसे सी कहते हैं, ओशन यानी कि सी। तो इकोसिस्टम स्मॉल पॉन्ड भी हो सकती है और फॉरेस्ट या ओशन भी, सी भी हो सकती है। आगे क्या लिखा है कि मेनी इकोलॉजिस्ट, कई इकोलॉजिस्ट यानी कि नेचर का स्टडी करने वाले इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायो, उन्होंने क्या किया कि एंटायर बायोस्फीयर, पूरी पृथ्वी यानी कि बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम कहे इकोलॉजिस्ट ने, एज अ कॉम्पोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। साथियों, लोकल इकोसिस्टम कौन सी होती है, लोकल इकोसिस्टम होती है फॉरेस्ट हो या ग्रासलैंड हो या वेटलैंड हो, इसे लोकल इकोसिस्टम, टुंड्रा हो या टाइगा, इसे इकोसिस्टम को लोकल इकोसिस्टम कहते हैं। तो सभी लोकल इकोसिस्टम से एंटायर बायोस्फीयर भी ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि सिंस दिस सिस्टम इज टू मच, यानी कि बायो, ये एंटायर बायोस्फीयर ग्लोबल इकोसिस्टम कैसी है, टू मच बिग है यानी कि बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है यानी कि उनका साइज और शेप बहुत ही बड़ा है, और ये आप टोटल ग्लोबल इकोसिस्टम का स्टडी नहीं कर सकते एट वन टाइम। यहां पर लिखा है कि ऐसा कन्वीनियंट है, ऐसा महत्वपूर्ण है कि ये इकोसिस्टम डिवाइड होती है टू बेसिक कैटेगरीज में। कैसे, दो कैटेगरी साथियों जानेंगे कि आपको मेरा कहना है कि दो टाइप की इकोसिस्टम, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल इकोसिस्टम में दो कैटेगरी पाई जाती है, टेरिस्ट्रियल यानी कि जमीन पर, और दूसरा है एक्वेटिक यानी कि पानी में। तो ये दो कैटेगरी नेचुरल इकोसिस्टम की, दो कैटेगरी टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक होती है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम जानेंगे ऐसे प्यारे दोस्तों। इकोसिस्टम का जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इकोसिस्टम दो टाइप के है, नेचुरल इकोसिस्टम्स और आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड इकोसिस्टम्स। नेचुरल इकोसिस्टम दो टाइप की होती है, टेरिस्ट्रियल यानी कि जमीन पर और ये एक्वेटिक यानी कि पानी के अंदर। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन आता है, नंबर वन फॉरेस्ट, नंबर टू ग्रासलैंड और नंबर थ्री डेजर्ट। और जब बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम की, दूसरा टाइप है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, वहां पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स और मराइन इकोसिस्टम यानी कि समंदर के अंदर जो भी पानी होता है उनका। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के आपकी एनसीईआरटी ने दिए है चार एग्जांपल, टोटल पांच दिए है, यानी कि ये समंदर का पानी हो या फ्रेश वाटर हो वो एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा करते हैं। तो देखिए फ्रेश वाटर में क्या आता है, पॉन्ड्स, लेक्स, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स यानी कि थोड़ा ये मिट्टी भी होगी, पानी भी होगा, उसे वेटलैंड कहेंगे, और रिवर्स आप जानते हैं। और मराइन इकोसिस्टम, ये फिफ्थ एग्जांपल है, इस्टोरी। इस्टोरी यानी कि नदी का पानी जहां पर भी समंदर को मिलता है उस एरिया को इस्टोरी कहते हैं, याद रखना प्यारे दोस्तों। ये क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में आपने पढ़ लिया है। आगे देखेंगे कि प्यारे दोस्तों आप जानते हैं फॉरेस्ट हो, देखिए फॉरेस्ट हो या ग्रासलैंड हो, एंड सम डेजर्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये जमीन पर पाए जाते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स है। और बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फर्स्ट आता है पॉन्ड, सेकंड पर आता है लेक्स, और थर्ड पर आता है वेटलैंड, फोर्थ लेवल पर आता है रिवर्स, और ये स्टोरी फिफ्थ लेवल। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। साथियों आगे देखेंगे कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम प्यारे दोस्तों की क्रॉप फील्ड्स, जैसे ज्वार का हो या बाजरा का हो या मेज का, जो भी क्रॉप फील्ड होता है और आपके घर में एक्वेरियम होता है, तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, याद रखिए प्यारे दोस्तों। इसे एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि आर्टिफिशियल, मैनमेड, that may also be considered as a man-made या artificial ecosystem। इस पिक्चर में देखिए आपके कई
घर में होगा कि एक्वेरियम, एक्वेरियम आपके ये कांच का या आप घर बनाते हैं उसके अंदर मछलियाँ, पिट्टा फिश, वो आप पढ़ लिया होगा किंगडम एनिमलिया में, वहाँ पर एक्वेरियम की बात की है, पिट्टा फिश की बात की, कई सारे फिशेस होते हैं। और ये क्रॉपलैंड की बात करते हैं तो क्रॉपलैंड भी आर्टिफिशियल मैनमेड है जहाँ पर भी, और उसे एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहते हैं, याद रखना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। साथियों वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि स्ट्रक्चरल फीचर्स कौन से होते हैं इकोसिस्टम के, रचना कैसी होती है, इसके बारे में जानेंगे। साथियों ये महत्वपूर्ण है, ये लाइफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में स्पीसीज कंपोजिशन। तो स्पीसीज कंपोजिशन कैसे रेफर्स किया जाता है, टू ऑल द लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स होती है विद इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंट में, तो उसे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, स्पीसीज कंपोजिशन कहा करते हैं। सॉरी द प्रोपोर, यानी कि द प्रोपोर्शन, यानी कि परसेंटेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म स्पीसीज इन अ रिलेशन टू द टोटल गिवन एरिया, जितना भी एरिया होता है वहां पर जितने भी प्लांट स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं उसे स्पीसीज कंपोजिशन कहा करते हैं। इससे इकोसिस्टम का रचना बनती है, स्ट्रक्चर बनता है। और दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, इस ये देखिए स्पीसीज कंपोजिशन मेक्स इकोसिस्टम यूनिक बनाता है इकोसिस्टम को। और स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, देखिए आप जानते हैं कि जितनी भी अर्थ होती है प्लेन नहीं होती, तो अर्थ पर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल ऑफ लेवल इन इकोसिस्टम उसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। अगेन मैं बात दोहरा हूं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए कि कैसा, यहाँ पर हर्ब दिखाई दे रहे हैं छोटे, वहां पर श्रब दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर हर श्रब ट्रीज दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ट्रॉल दिखाई, ये वर्टिकली आपको दिखाई देंगे। तो इस कंसेप्ट को स्ट्रेटिफिकेशन कहेंगे। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन एन इकोसिस्टम उसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। याद देखिए ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, हर्ब श्रब ट्रीज और लास्ट, तो ये हुई बात स्ट्रेटिफिकेशन। ये सभी ये दोनों कंपोनेंट स्पीसीज कंपोजिशन और स्ट्रेटिफिकेशन से इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बनता है, रचना बनती है। आगे देखेंगे क्या लिखा है कि प्यारे दोस्तों इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट, जब आप इसे अप्रिशिएट करेंगे तो फंक्शनल इकोसिस्टम के फीचर्स कौन से होते हैं, यहाँ पर दिया है फंक्शनल फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में इनपुट होता है यानी कि प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इट रेफर्स टू रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास, यानी कि एनर्जी का जनरेशन होना, बायोमास का जनरेशन होना उस इकोसिस्टम में, उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और फंक्शनल फीचर्स में ये देखिए ये इनपुट यानी कि प्रोडक्टिविटी, देखिए इनपुट यानी कि प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी रेफर्स करती है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ बायोमास, उसे एनर्जी इन एन इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये देखिए ये दूसरा फंक्शनल फीचर है इकोसिस्टम का, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसी होती है, फूड चेन और फूड वेव, क्या होता है फूड चेन और फूड वेव। फूड चेन की जब बात करते हैं प्यारे दोस्तों भाइयों मेरे बहनों, फूड चेन ये आउटलाइंस हु ईट हुम, कौन किससे खाता है, ये फूड चेन होती है। और बात करते हैं कि फूड वेव की, तो ऑल द फूड चेन, सभी जितनी भी फूड चेन्स होती है इकोसिस्टम की, तो उसे क्या कहते हैं, फूड वेव कहते हैं। फूड चेन जब बात करते हैं हु ईट हुम, कौन किससे खाता है और कौन किससे खाता है, जितने भी कौन किससे खाते हैं उसे फूड वेव कहते हैं। यानी कि फूड वेव इज ऑल ऑफ द फूड चेन इन इकोसिस्टम, सभी फूड चेन को फूड वेव कहते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की जब बात करते हैं, यहां से भी एनर्जी ट्रांसफर होती है प्यारे दोस्तों। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एक सिस्टम है वेयर एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी और मैटर ये ट्रांसफर्ड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। दिस ऑकर्स एनिमल्स एंड प्लांट जब कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट कहां पर पाए जाते हैं, सॉइल्स में, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स देन रिलीज्ड बैक इनटू द एनवायरमेंट वाया जो भी प्लांट और एनिमल डेथ होते हैं, जब डेथ होती है तो उनका डिकम्पोजिशन होता है, ऐसे प्रोसेस को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। बात करते हैं आउटपुट की, यहां पर देखिए आउटपुट मतलब यानी कि डिग्रेडेशन यानी कि डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन या और एनर्जी लॉस कैसे होता है।
कह रहे दोस्तों वी विल आल्सो लुक एट दैट एट द रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स में रिलेशनशिप्स होती है, साइकिल्स होते हैं, फूड चेन्स होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल की यहाँ पर बात की है, एनर्जी ये देखिए आउटपुट डिग्रेडेशन देखिए कैसे तेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फूड चेन और फूड वेब से होता है और न्यूट्रिएंट साइकिल्स साइकिल्स की बात करती है कि यहाँ पर वेव्स की बात की दैट आर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ दीज एनर्जी फ्लो, एनर्जी का फ्लो होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहेंगे विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ये हुई बात किसकी प्यारे दोस्तों की साइकिल चेन्स और वेव, कौन सा वेव, फूड चेन, फूड वेव और न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है, ऐसे साइकिल से क्या होता है कि इनका रिजल्ट होता है एनर्जी का फ्लो होता है विद इन द सिस्टम में एंड देयर इंटर रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आप स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, आप अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।